आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के तार आतंकवाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मामले की गहन जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस उसकी मदद करने वाले लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के हाथ मुर्तजा के दो साथी भी लगे हैं। इसी के साथ यूपी एटीएस की टीम जांच के आधार पर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। गोरखपुर की सबसे सुरक्षित और लगातार पुलिस अब इस मामले में धरपकड़ कर रही है। जो भी इसके साथ जुड़े हुए थे, जो भी मुर्तजा के साथी थे, उनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है। उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि किससे उनके तार जुड़े हुए थे। गोरखपुर की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है गोरखनाथ मंदिर, मगर इसी मंदिर परिसर में एक शख्स धारदार हथियार के साथ पहुंचा और उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। अब इस हमले की पड़ताल शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश को पुलिस को आतंकी कनेक्शन दिखने लगा है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे और अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उधर यूपी की पुलिस कहती है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आतंकी साजिश है, जिसके बाद इस मामले में हमलावर युवक को गिरफ्तार करके न्यायालय ने युवक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसकी जांच पड़ताल में पता चला है कि हमलावर मुर्तजा अब्बासी के लैपटॉप से आईएस से जुड़े कई वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं। ऐसे में लगातार जैसे जैसे कुछ क्लूज मिलते जा रहे हैं, इस केस में चीजें और बढ़ती जा रही हैं। लगातार पुलिस धरपकड़ भी कर रही है और जो मुर्तजा है, जिसने हमला किया था सुरक्षा कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके बैकग्राउंड भी खंगाले जा रहे हैं। उसके लैपटॉप से जो आईएस के वीडियो मिले हैं, उस वीडियो के थ्रू उसके कनेक्शन का भी पता लगाया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है। इस बीच जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो भी गोरखपुर पहुंचे, जो घायल पुलिसकर्मी है उनसे मुलाकात भी की। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी जो मुर्तजा है उसके साथियों की भी धरपकड़ पुलिस कर रही है, वहां से क्या कुछ पता चल पाया है? बता दें कि लखनऊ में दो आतंकी पकड़े गए थे, जिनमें से एक के घर जो है प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ था। ऐसे में पूरी तरह से इस कनेक्शन पे पुलिस जो है छापेमारी कर रही है और पूछताछ कर रही है। जांच में मुंबई, जामनगर तक पुलिस पहुंच चुकी है, यहाँ तक कि महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर और अन्य जिलों में भी जो है छापेमारी की जा रही है। और सूत्रों की माने तो इसकी पहली पत्नी से इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि गाजीपुर की रहने वाली इसकी पहली पत्नी है और तलाकशुदा है। ऐसे में इसके आचरण के बारे में, किस तरह के इसके आचरण है, किन लोगों के साथ इसका बैठना उठना है, इस विषय पे पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। एटीएस इसमें लगी हुई है और नेपाल से भी इसके तार जुड़ के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल का इसका जाना आना था, तो एटीएस इसके नेपाल सूत्र तार पे एकदम लगी हुई है और उसको खंगालने की कोशिश कर रही है कि नेपाल से इसके क्या संबंध रहे हैं। और जो उसको इस आईएस के जो वीडियो इनमें मिले हैं और ये जो तमाम तरह के वीडियोस देखता था, उससे भी इसके कनेक्शन की बातें की जा रही है। हिमांशु, ऐसे में जिसके दोस्त है, जो इनके दोस्तों की धरपकड़ की जा रही है, क्या उनकी तरफ से अभी कोई बयान सामने आया? ये अभी तक ऐसा कोई बयान इसके सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस जो है धरपकड़ चालू की हुई है, जामनगर वगैरह में भी इसके दोस्तों से और मुंबई में पूछताछ हो रही है, जो तक पुलिस पहुंची हुई है वहां भी जांच कर रही है और पुलिस पूरी तरह से नजर लगाए हुए है, नजर गड़ाए हुए है कि कहां किस जगह इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। हालांकि इसके सारे रिश्तेदारों से गहन जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है और किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है पूछताछ के समय। गोरखपुर में कौन सी जगह पे ये रहता था जो मुर्तजा है, जिसने हमला किया है? हिमांशु, कौन सी जगह पर ये रहता था? क्या मंदिर के कहीं आसपास ही रहता था? जी नहीं, मंदिर के आसपास नहीं रहता था। आपको बता दें कि ये
मुंबई रहता था, वहां से 2020 में ये जो है गोरखपुर आया था और यहाँ के सिविल लाइन जो पार्क एरिया है, वीआईपी एरिया है, यहाँ का सिविल लाइन में इसका आवास था, वहाँ ये अपने परिवार के साथ रहता था। क्या कोई शिकार ये गोरखपुर में करता था या फिर ऐसे ही बस यहाँ वहाँ घूमता रहता था? गोरखपुर में आने के बाद ये पूरी तरह से बेकार था, कोई काम नहीं करता था और ये नौकरी किसी, हालांकि ये करता था पहले लेकिन इसकी नौकरी छूट चुकी थी, इसलिए यहाँ आकर के बसा हुआ था और नौकरी की तलाश कर रहा था। इसके पिता कहना ये कि ये काफी कर्जे में था जी। मानसिंह इस तथ्य पे भी जांच करी कि कर्जा किस तरह का था, किस तरीके से इसने कर्ज में आया कि 28 से 29 लाख के कर्ज में ये दबा हुआ है, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं करता था, हालांकि ये एक प्राइवेट नौकरी करता था, इंजीनियर था उसने। जी मानसिंह, कौन कौन से इसके साथी अभी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं? अभी इनके साथियों की पुलिस पूरी तरह से दो साथियों को पकड़ी है और उनसे पूछताछ करी है कि इसका आचरण क्या था, किन किन से तार जुड़ा हुआ है, उनसे भी तार जोड़ी चुकी। गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी इसके पास से बरामद हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए कि क्या ये कोई आतंकी साजिश थी, ये बहुत बड़ी घटना थी, होने वाली थी, क्योंकि इसका एक साथी फरार था जो अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं आया है। जी, लेकिन नक्शा बरामद होना तो एक वाकई में सवालिया निशान खड़ा करता है कि अगर नक्शे के साथ साथ तमाम वीडियो लेकर के घूम रहा था, ऐसे में पुलिस अब सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ तैयारियां करे, क्योंकि अगर उसके पास नक्शा था और किसी और के साथ भी उसके तार जुड़े हैं तो एक बेहद ही ध्यान का मुद्दा है, ये एक है परेशान करने वाला मुद्दा है, तो ऐसे में पुलिस सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ कड़े कदम उठा रही है? पुलिस पूरी तरह से गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, गोरखपुर में भी पूरी तरह से हर चौराहों पे हर जगह सारे थानों को अलर्ट कर दिया गया है, अलर्ट मोड पे हैं और इसमें पूरी तरह से आतंकी घटना के ऊपर ही जिसकी जांच हो रही है, और क्योंकि इसके पास आईएस के जो है वीडियो बरामद हुए थे, ऐसे में पुलिस पूरी तरह से इसमें नजर गड़ाए हुए है और एटीएस खुद हर स्तर से जांच कर रही है कि कहां कहां इसके आतंकी संगठन से जुड़े होने के कोई सबूत और कोई साक्ष्य मिल जाए। ऐसे में लखनऊ तक जो है इसकी पुलिस जांच कर रही है, पहुंच गई है गजवा व तुला से इसका जो है जांच का संबंध मिला रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं नेटवर्क से इसका कहीं कनेक्शन हो अंसार गजवा व तुला से। जी बिल्कुल हिमांशु, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, अभी की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबह के मुख्यमंत्री आज शाम लोक भवन में बड़ी बैठक करने वाले हैं। बता दें कि बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। मीटिंग में प्रदेश के लिए 100 दिनों में रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी पहले 100 दिनों का प्लान देखने के लिए मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और मंत्रियों को 100 दिनों में अपने अपने विभागों का लेकर लक्ष्य तैयार करने को कहा गया था। योगी सरकार 2.0 का गठन हो चुका है और गठन होने के बाद जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो चुका है। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश था और ये दिशा निर्देश भी था कि जो मंत्री हैं, मौजूदा विभाग के मंत्री हैं, वो सभी अपने 100 दिनों का रोडमैप तैयार करें कि किस तरह से वो अपने कार्यभार को संभालेंगे, उनका क्या 100 दिनों का रोडमैप होगा, किस तरह से अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, क्या कुछ नया वो करेंगे, जिसको लेकर आज लोक भवन में मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक भी है जिसमें वो यह जानेंगे कि मंत्रियों का जो रोडमैप है वो उन्होंने किस तरह से तैयार किया है, अपना कार्यभार वो किस तरह से संभालेंगे, क्या कुछ नई योजनाएं लाएंगे, क्या कुछ नए तरीके से वो जनता की मदद करेंगे और विकास कार्यों को बढ़ाएंगे, इसी को लेकर आज जो बैठक होनी है, बड़ी बैठक होनी है मंत्रियों की सीएम के साथ। खबर गाजियाबाद के राजनगर से है जहां जिला मुख्यालय के बाहर सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी करने से आए दिन मुख्यालय के बाहर लंबा जाम लग जाता है, जबकि यहां पर डीएम एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों के दफ्तर भी है। वह इस मामले को लेकर एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने कहा है कि निगम और जीडीए को कई बार इस मामले को लेकर लिखित में शिकायत भी की गई है लेकिन किसी ने भी इस मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया। सर, गाजियाबाद के अंदर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं गाजियाबाद में समय की जा रही हैं? देखिए, इस समय जो कि NH9 खुलने से थोड़ा ट्रैफिक लोड अंदर का तो कम हुआ है, लेकिन टोल बढ़ने से, टोल लगने से भी पब्लिक अंदर से जाने लगी है। दूसरा, उधर सिकरी मेला के चलने के कारण उधर ट्रैफिक लोड ज़्यादा है, तो
और इसके लिए हम लोग कुछ डाइवर्जन प्लान भी बना रहे हैं और बाकी हर पॉइंटों पे हमारी ट्रैफिक ड्यूटी भी लगी हुई है। आपके राजनगर एक्सटेंशन पे जिसमें ट्रैफिक लोड ज़्यादा चल रहा है, जिससे बहुत सारे नाव से कट है, उस कट को बंद कराने के लिए और जो डिवाइडर है, डिवाइडर पर लोग पर जो डिवाइडर का जो हमने कम ऊँचा है उस पर लोग गाड़ी अपना क्रॉस करते हैं, इसकी वजह से भी जाम लगता है। सो लोग डिवाइडर को और ऊँचा करने और कट को बंद करने का भी हम लोग DDA से और DM साहब से बात हुई, इसमें कट करा दें। मैनपुरी के औंचा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि गांव नगलाहार के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर पलट गई। हादसे में 6 वर्षीय बच्ची सहित 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार शहर स्थित शीतला देवी मंदिर दर्शन के बाद श्रद्धालु लौट रहे थे। वही घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज जारी है। लगभग 15 के ऊपर लोग इंजर हुए, उनमें से 3 से 4 मृतक बताए जा रहे हैं। एक बड़ी एक की ऑलरेडी यहाँ आ भी चुकी है। लोग यहाँ शीतला माता मंदिर में निजा चढ़ाने आए थे, लौट रहे थे, वहीं पड़रिया से वहाँ पड़ता है, उसके आगे पिछाले के पास उनकी ट्रैक्टर डाली पड़ती है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है, गंभीर अवस्था में उनको रेफर भी कराया जा रहा है। साथ ही जो मृतक हैं उनका सीधे भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, संबंधित जनपद सूचना भी पृथक से भेजी जा रही है। खबर श्रावस्ती से, जहां भिंगा कोतवाली क्षेत्र के भंगहा मोड़ तिलकपुर के पास एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। वहीं बस पलटने से बस सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने बस में फंसे घायलों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि जनपद में ARTO की मिली भगत से कई ऐसी डगामार बसें पंजाब, मुंबई और दिल्ली जाती हैं, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं। उमेश वर्मा, कहाँ रह रहे हो? हरिहर कुमार नगर। कहाँ जा रहे थे आप? लुधियाना जा रहे थे। ड्राइवर पता नहीं दारू पिया रहा था, क्या कर रहा था, ना कोई आगे बस थी ना कोई मोटरसाइकिल थी, वहाँ मोड़ से इतने ऐसे करने लगी, यहाँ पे लाके पलट दिया, ड्राइवर भाग गया। कितने लोग घायल हैं? घायल तो कोई नहीं, सभी सलामत से बच गए, लेकिन घायल वायल कोई नहीं, ड्राइवर भाग गया, चोट चपेट किसी को नहीं लगी। बहराइच की दरगाह पुलिस और CO सिटी विनय कुमार द्विवेदी की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल थाना दरगाह के ठीक पास में ही एक साइकिल की बड़ी दुकान के अंदर ही बने घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसकी सूचना किसी व्यक्ति ने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया। पूरे मामले में दुकान के मालिक ने पुलिस की टीम को धन्यवाद दिया। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कारनामा जारी है। बीते दिनों भ्रष्टाचार के आरोपी औरैया जिलाधिकारी सुनील वर्मा को कल जहां सस्पेंड किया गया था, तो वहीं आज विजिलेंस टीम ने सस्पेंड जिलाधिकारी सुनील वर्मा के करीबी खनन माफिया मगलू पांडे और उनके करीबी हरि तिवारी के घर पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने के अलावा बाहर गेट पर भारी पुलिस बल मौजूद थी और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वह इस मामले पर अधिकारियों ने बताया कि 5 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जो भी जांच के बाद सामने आएगा उसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। दरअसल संपूर्णा नगर थाना इलाके की खजूरिया पुलिस चौकी में पुलिस के पास शबरू नाम के एक बुजुर्ग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, जहां चौकी में मौजूद इंचार्ज नासिर कुरैसी ने बुजुर्ग की न सिर्फ फरियाद सुनी, बल्कि बुजुर्ग के लिए बाजार से नए कपड़े और मिठाई मंगवाए और अपने साथ बराबर की कुर्सी पर बिठाकर उसे खाना खिलाया। आपको बता दें कि बुजुर्ग अपने बेटे के खिलाफ पुलिस पर शिकायत के लेकर आई थी। इसी के साथ शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस का एक मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां पर एक बुजुर्ग अपने ही बेटे से परेशान होकर पुलिस चौकी पहुंचा, अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने, जिसके बाद पुलिस ने ना सिर्फ उसे मुकदमा उसका दर्ज किया, कार्रवाई शुरू की, बल्कि पुलिस ने
बुजुर्ग को अपने साथ बिठाया, उसके लिए मिठाई मंगाई, उसे मिठाई खिलाया और साथ ही साथ अब उसके बेटे पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधुनिकीकरण योजना का फायदा लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कुछ जिलों में कागजों पर चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद इस फैसले को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ मदरसों के अंदर में राष्ट्रगान भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। 37 साल के मिथक तोड़कर योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आसीन हो चुकी है। वहीं इस बार जो सरकार है उसमें मंत्रियों को आदेश दिए गए हैं कि वो 100 दिन में अपने काम का खाका तैयार करेंगे। इसी क्रम में 7,442 मदरसों की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ अगर कहीं कोई गलती होगी तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में हमारे साथ मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली साहब मौजूद हैं। सर, इस नजर जो ये फरमान आया है कि 7,400 कुछ मदरसों की जांच की जाएगी, किस नज़र से देखते हैं इसको? बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। देखिए, केंद्रांश और राज्यांश वाले मदरसे हैं, मॉडर्न एजुकेशन जिसे आप कहेंगे, कंप्यूटर वाले, ये कुछ मदरसे अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ मदरसों के लिए शिकायत आई, अमरोहा था, शफीपुर उन्नाव था, बल्लामपुर था, गोंडा था, कुछ ज़िले हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन और अधिकारी जिलों में जाते हैं तो शिकायतें सुनते हैं, तो शिकायतों के आधार पर ये जानकारी आई तो उनकी जांच कराई गई। मानक उनके पूरे थे, 2-3 महीने उन्होंने पढ़ाया भी, उसके बाद कुछ मदरसों ने पढ़ाना बंद कर दिया। उन बच्चों से मिले तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं बुलाया जा रहा, हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो जब ये शिकायतें आई तो शिकायतों के आधार पर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और उस सपने को साकार भी हम लोग कर रहे हैं और उनके पैसे से, भारत सरकार के, राज्य सरकार के पैसे से जो मदरसे चल रहे हैं, हर बच्चा को शिक्षा मिले और हर बच्चे पे शिक्षा अनिवार्य हो, इस पर राष्ट्रगान को मदरसों के अंदर में अनिवार्य कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रगान 15 अगस्त 26 जनवरी को हो रहा था, कहीं कहीं मदरसों में भी हो रहा था। तो जब हम लोगों ने ये बात करी कि दुआ के बाद राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया जाए तो मदरसों ने उस बात को मान लिया। जागरूकता की कमी थी, उन लोगों ने उस बात को माना और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के फैसले को सर आंखों पे लिया। कहीं कहीं पे जानकारी नहीं थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, कुछ जानकारी उनको मिल गई, वो चालू, कहीं कोई विवाद नहीं, क्योंकि राष्ट्र से जुड़ा मसला है और राष्ट्रगान हो रहा सब जगह। वहीं कहा जा रहा है कि जो जांच में साफ नजर आएंगे उन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और मॉडर्न क्लास बनाने की बात कही जा रही है, तो इससे बच्चों को कहां तक लाभ होगा? मुख्यधारा में आएंगे, ISPCS आएंगे, हम माननीय मोदी जी, योगी को सलाम करते हैं आपके माध्यम से। हमारी कौम आगे बढ़ रही है ना, हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कट्टरता खत्म होती है ना एजुकेशन जब आती है, तो कहीं भी किसी भी समाज में आप देख लें कट्टरता होती है, तो क्योंकि जब इल्म नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, उत्तेजना होगी। जब ज्ञान होगा तो, जब ज्ञान होगा तो सबके साथ हम इंसाफ करेंगे, एजुकेशन मस्ट है और प्रधानमंत्री जी की हम सराहना करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके माध्यम से। हमारे साथ मौजूद थे कमर अली साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता में बदलाव होगा, साथ ही साथ मदरसों के जांच के बाद जो स्मार्ट क्लास और मॉडर्न क्लास बनाने की बात कही जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो कट्टरता है वो खत्म होगी। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।